मऊलाना मोहम्मद वाल सईदी मऊलाना महमद वबारक वसल सला नाजमी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने में कुछ टाइम लगा ब्रिक से पहले मैं गुज़ारिश कर रहा था कि नबी मकर्रम नूर मुजस्म सल्हल अल्लाह की सबसे बड़ी नमत हैं और जिनके आने पर अल्लाह पाक ने एसान जताया और वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ुरान मजीद की आयात तिलावत फरमाई तजकिया फरमाया हिकमत की तालीम अता फ़रमाई मक्का पाक की धरती पर और मदीना पाक में और तेईस साल के कलील अरसे में दुनिया का सबसे बड़ा पैदा फरमा दिया और वो इनकलाब बरपा कर दिया ऐसे नफुस क़ुस्या तैयार किए कि जिनकी अजमतों रिफातों का तजकर ख़ुद क़ुरान मजीद फरमा रहा है प्रयाको मौला वसल्लम ने जो जमात तैयार की हर सहाबी अपने मकाम पर अजमतों का मीनार नज़र आता है लेकिन खुलफा राशद इनका मक़ाम इनकी अज़मत का तस्करा ही निराला है और फिर ये वो अस्तियाँ हैं कि जिन्होंने इस्लाम की शात और तरवीज में अपनी जान की कुर्बानी लगाई अपना माल खर्च किया हिजरत की है मुश्किल का सामना किया मसाइबो आलाम का सामना किया लेकिन साबित क़दम रहे डटे रहे हम अहल सुन्नत इन सहावई कराम को सलामी अदत पेश करते हैं अह बत तहार की अजमतों रिफातों, उनकी पाकिजगी उनकी तहारत का तस्करा करते हैं अलहदुल्ला यहीं हम अहल सुन्नत का तरीक़ा है मैर्ज कर रहा था कि ये माह रबी अल्वल के हवाले से माह मिलाद के हवाले से कि हज़ूर सलात वसलाम कायनत में आए तो एक बहारा का समा हुआ मुबारकबादें दी जा रही हैं और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाल वसम ने नबूत फरमाया तो अपनी ज़ात को पेश किया फ़त लबिस फ़ीक उमरा अमिन कबल अफला ताक़िल मक्के वालों मैंने तुम्हारे अंदर चालीस साल गुजारे हैं यहीं पर यहीं पर मेरा बचपन गुज़रा मेरा लड़कपन गुज़रा मेरी जवानी गुज़री मैंने बिज़नेस यहाँ पर किया शादी की लेन देन किया अपनी ज़ात को पेश किया तो वो मक्के वाले कहने पर मजबूर थे कि सादिक, अन तमीन मक् पाक में तेरह साल की जो हयात तयबा है उसमें सहावई कराम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया जो इस्लाम का आलम लेकर कायनत वालों के सामने आए उनकी अजमतें खुद कुरान मजीद बयान फरमा रहा है तो आज का मौजूद वो जो जमात मेरे आका सल्लल्लाहु सल्हुस ने तश्कील दी थी आज हम उनकी सिफ़ात उनकी शानें बयान करेंगे और कुरान मजीद की आयात मुकदसा से बयान करेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी तरबियत आका मौला अलैहि वम ने किस तरह की और इन क़राम का ताल्लुक़ नबी करीम सदाज़ का था वो इश्क किस हद तक करते थे कि उनकी जिंदगी में इश्क रसूल अलैहि वसल्लम जो है वो इस अंदाज में था कि वो सरकार के तस्करे से अपने क़लब बातिन को मुनवर किया करते थे आइए चलते हैं क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तरफ और आगाज़ गुफ्तगू में कर रहा हूँ सूरह फ की आखिरी आयत जिसमें रब्बुल रबुलमीन अपने हबीब का जिक्र ख़ैर फरमा रहा है और साहब कराम का जिक्र खैर फरमाता है आइए कुरान मजीद का मुताला कीजिए और देखिए कि अल्लाह का कलाम कैसे बयान फरमाता है रब्बुल रबुलमीन फरमाता है कि रसूलुल्लाह महमदुररसूल महम्मद सल्हु वसम ये देखिए कुरान मजीद है, है सूर्य फ़तह है और इसकी आयत नंबर ट्वेंटी नाइन है अलैहि सल्ला मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वल्लदीन बाहू और जो आपके साथी हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं जो आपके दामन से वाबस्त हुए हैं जो हालते ईमान में इश्के रसूल से सरशार होकर आपकी बारगाह में मौजूद हैं वल्लीन माहू जो आपके साथ अब देखना ये है कि जब आपने दावत इस्लाम दी है तो कौन थे आपके साथ सीधा सा जवाब होगा जब आप इला नबूवत कर रहे हैं मक्का पाक में हैं तो वो जो साथ हैं उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हैं हजरत उम्र फ़ारूक भी हैं हजरत उस्मान गनी भी हैं हज़रत मौला अली भी हैं ये इब्तदाई लोग जो हैं उस वक़्त साथ थे इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं इनकी सिफात क्या हैं फरमा अशिद दा वालकुफ़ार ये वो तबका है जो कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं बड़े ताकतवर हैं बड़े बहादुर हैं रोहमा उबई नहुम, आपस में बड़े मेहरबान बड़े रहमदिल हैं तू देखता है उन्हें रुकान रकू करते हुए सज्जा सजदा करते हुए यब तगुना यह तबका जो है ये तलबगार है किस चीज़ का तलबगार है माल का माल गनीमत का हकूमत का इकतदार का जाहु हशमत का शोरत का हरगिज़ नहीं कुरान मजीद हरगिज़ यह बयान नहीं करता बल्कि कुरान मजीद इनकी सिफात में क्या बयान करता है ये किस चीज़ के मतलाशी हैं किस चीज़ के तलबगार हैं फरमाया फ़ल् व वदाना अल्लाह के फ़ल व वदाना और उसकी रज़ा चाहते हैं ये अल्लाह ताला के फ़ल और अल्लाह ताला की रज़ा के तलबगार हैं ये वो जमात है जो सहाबाई कराम की जमात है जिनका तजकर क़ुरान मजीद फुरक़ान हमीद फरमा रहा है सी माहम फी ही मिन आथर सुजूद और इनके फी वजूहि इनके चेहरों पर निशानात हैं इनके चेहरों पर इबादत की अलामतें हैं चेहरे चमक रहे हैं चेहरे दमक रहे हैं चेहरों पर नुरानियत नज़र आती है सजदों के आसार नज़र आते हैं मिन सुजूद सजदों के असर से इनके चेहरों पर नुमाया एक नुरानियत नज़र आती है इबादत की अलामत इनके चेहरों पर नज़र आती है इनके चेहरे देखने से ख़ुदा याद आता है अल्लाह याद आता है ये वो जमात है जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार फरमाई है जालिका मतल ये औसाफ तौरात में भी मौजूद हैं यानी ये जो सहाबा क्राम हैं ये हज़ूर अलैहिस्सलाम के दामन से जो वाबस्ता हैं जालिका मातालुम फ़िल तौराती व मातालुम फ़िल इंजील, इनका तज़क़रा तौरात में भी है और इनका जिक्र इंजील में भी है ये आप नोट रखिएगा बाद में मैं इसकी तफसील बयान करता हूँ कि इस जमात का जिक्र यानी एलान नबूत फरमाते हैं सहाबा साथ शामिल होते हैं लेकिन कुरान कहता है कि ये जो नफूस कदसियाँ हैं इनका तस्करा तौरात में भी है इनका तस्करा इन में भी जारी रहेगी मेरे आज के प्रोग्राम के कॉलर पहले हैं आइए उनका सवाल लेते हैं और सवाल के बाद इन शुफगुजारी रहेगीकम साहब वाले, कुम। कुम वाले कौन सा है जी मोहसिन साहब आपने लास्ट वीक कमेंट की थी मेरी उसके ऊपर मैं फिर दोबारा फोन करूंगा आज जो आपने भी गुफ्तु की है कुरान मजीद से जी आपने शुरू की है मोहम्मद रसुल्ला तो अगर आप उसी के ऊपर दोबारा जाए उसके बाद लिखा है कि जो इनके साथी हैं यानी कि जो रसूल है उस उनके साथी हैं अब रिश्तादत कब से है ये सोचना है हमें रिश्तात मक्के से नहीं है पीछे से आ रही है पहले से आ रही है तो जो पहले से साथी है ये उस पर दिक्कत है मोहनताब ये सहाबियों की बात कहां से आप ले आए इसके ऊपर थोड़ा आप गौर करें जी मैं इंशाल्लाह इसका भी। आयत खुद कह रही है हैं जो रसूल हैं ठीक है ना रसूल कब से हैं यार ये सोचना है ना हमें उधर से जो साथी हैं जो बाद में ईमान ले आए ना अभी मक्के में ये उनकी बात तो नहीं है ना इसके ऊपर थोड़ा सा फरमाइए और गौर कीजिए शुक्रिया चले मेरे ख्याल में अगर आप पूरी आयत पढ़ते तो ये सवाल आप ना करते अगर पूरी आयत पढ़ लेते ना तो ये सवाल आप ना करते मैं समझता हूँ कि इन शेरी गुफ्तगु सुनिएगा आपके जहन में ये जो एक मुगालता है वो दूर हो जाएगा मेरे ख्याल में आपने पूरी आयत नहीं पढ़ी आगे मैं चल के पूरी आयत पढ़ता हूँ और आपके सवाल का जवाब इसी आयत में ही आ जाएगा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का जी नाज़रीन कराम जी हमारे महसिन साहिब हैं सवाल इस साहित्य के मुतालिक है कहते हैं कि मोहम्मदर रसूल्ला तो मोहम्मदर रसूल सल्ला हजूर रसूल क़बसे हैं तो तबसे वो जो साथी हैं सिर्फ वही जो उनके ख्याल में आलम अरवा की वो बात कर रहे हैं लेकिन मेरे भाई कुर मजीद समझना अपनी राय के ज़रिया से नहीं अपनी अकल के ज़रिया से नहीं बल्कि कुरान पाक अकल सलीम से समझ आता है और जो बुज़ुर्गान दीन ने और मुफसरिन ने जो आ, समझाया है हमें कुरान मजीद वैसे ही समझना आप अब जो सवाल किया वो आप इसी आयत से आपको जवाब उसका मिल जाएगा क़ुरान मजीद फरमाता है अब देखिए पहले है तराहुम तू उनको देखता है यानी अब देखने की बात ये है कि ये तजकर सूर्य फताह में हो रहा है और वो जो जमात है वो एग्जिस्ट कर रही है मक्का पाक में सरजमीने मदीना में उनकी आलामत क़ुरान मजीद बयान कर रहा है मोहसिन साहब आलम अरवा की तरफ चले गए अब कुरान मजीद फरमाता है जालिका माशा फी तौराती व मासा फिल इंजील ये वो लोग हैं जिनके औसाफ तौरात में भी मौजूद हैं और इनकी सिफात इन झील में भी मरकूम है यानी तौरात में भी रबालमीन ने इनका तस्करा किया अहले बैत इतहार भी हैं सहाबाई किराम भी हैं इनका जिक्र तौरात में भी मिलता है इनका तजकर इन झील में भी मिलता है इन, अब क़ुरान मजीद क्या फरमाता है कि ये मिसाल इनकी एक खेत की तरह है जैसे खेती है अब आप गौर कीजिएगा नाजरिन कराम वो हज़रा जो कहते हैं कि सिर्फ़ तीन मोमिन थे या चार मोमिन थे बाकी कोई मोमिन नहीं रह गया जब हजूर अलतम का विसाल हुआ ये कितना बड़ा मुगालता है तो मेरा मकसद पॉजिटिव अंदाज़ में समझाना है ना मुनाजरा है ना कोई और बात है बड़ी शाइदगी के साथ कुरान मजीद की आयात का फाहम हासिल करना समझना कि रब का कलाम क्या कहता है जो ये हज़रात अपनी अकल से बात करते हैं क्या कुरान साथ देता है इनका क्या वो अकीदा जो ये लिए बैठे हैं कुरन मजीद से मिलता है कुरान मजीद वो है कि जो हक और बातिल को वाज़ कर देता है ये मोमिन और मुनाफिक की बहस करते थे यही मोसिन साहब अलहमद सरा मुनाफिकून हमने पढ़ कर सुनाई मुतमिन है कि मोमिन और हैं मुनाफिक और हैं मोमिना सोच और है मुनाफाना सोच और है मेरे साथ आज के प्रोग्राम के एक और कॉलर हैं आइए उनका सवाल लेते हैं फिर गुफ्तु जारी रहेगी सलाम <coughs> मेरा नाम इमरान है मैं लंदन से बोल रहा हूँ जी इमरान साहब जी जी uh, मैं सवाल इंग्लिश uh, से पूछ सकता हूँ जी जी यू कैन स्पीक इंग्लिश जी जी तो सी um, एक uh, आयत थी फतेह के बारे एंड यू ट्राइंग टू यूज दिस एज अ दलील टू प्रेज द सहाबा ओके Now, my question is, Is there was a Sahaba who was also uh, alive during the time of Fatah Makkah. His name was Rubayat ibn Amaya. Okay? He was a Sahabi, and your books of Hadith confirm this. Your books of Rijal also confirm he was a Sahabi during the time of Fatah Makkah. But later, this person, who was a companion, he became a Christian. And this is uh, in reference in Al-Asaba, Volume 3. Page 584, and also in Fatal Bari it also confirms that this companion who became a Muslim during the time of Fata Makkah later became a Christian. So, what what you're trying to prove? Okay, okay, I, I will, will I will explain, brother. No problem. Okay, if you if uh, you understand that what is the definition of Sahabi, then it will be everything okay for you, Inshallah. The next quality.

से उनके सवाल का जवाब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो ये सहाव कराम और अभी हमारे भाई इमरान साहब ने जो सवाल किया याद रखिए इमरान साहब सहाबी की जब हम तारीफ़ करते हैं जिसने हालत ईमान में नबी करीम अलैहि वसम आले की ज्यारत की और उसकी मौत भी हालत ईमान पर हो अगर कोई मुर्तद हो गया है तो वो सहाबी नहीं कहलाएगा इस्लाम कबूल किया लेकिन उस पर कायम नहीं रहा उसकी मौत किसी और दीन पर हुई तो उसको हम सहाबी कहेंगे ही नहीं उसने एक लिबादा ओढ़ा था जैसे मुनाफिक थे बज़ाहिर जो है वो इस्लाम कबूल किया लेकिन उनका बातिन जो था वो इस्लाम से रोशन नहीं था और सहाबी की जब हम तारीफ़ करते हैं उसकी मौत भी हालत ईमान पर हो तो मेरे ख़्याल में जितने भी आपके सवाल होंगे उनका ये जवाब काफ़ी है कुरान मजीद फरमाता है कि ये सहाबा जो है का जर इन इनकी मिसाल एक खेत की मानद है एक खेती है अखराजा शत आहू जिसने निकाला अपना पट्टा यानी आप देखते हैं जब बीज डाला जाता है तो उस बीज से शुरू में एक छोटी सी सुई की तरह एक नोक निकलती है और फिर फ आज़ारा हो फिर उसको तकवीत पहुँचती है फस्त लदा फस्त तो फिर उसके बाद वो और ज़्यादा मज़बूत होती है जब आप पौधा लगाते हैं खेत में तो फिर वहाँ से एक बीज में से ज़मीन फाड़ कर जो है वो एक सूई निकलती है एक पट्ठा निकलता है फिर उसके बाद वो मज़बूत होता है और फिर फस्तवा अलासूखी फिर वो जो पौधा है वो अपने तने पर खड़ा हो जाता है फिर उस पर पत्ते लगते हैं फूल खिलते हैं फल लगता है ये वो खेती है इस्लाम की जिसका तज़किरा कुरान मजीद कर रहा है अगर वो पाँच छ होते तो कुरान मजीद इस अंदाज में उस खेत का तज़किरा क्यों कर रहा है लाजमी बात है के, के जम गफ़ीर था अफराद की कसरत थी हज़ूर सलासम तो जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं तो वो जो जमात आपने तश्कील दी ये जेन में रखिएगा कि बाज़ लोग यहाँ पर मुगालता डालते कि हम सारे सहाबा को एक जैसा मानते कतन ऐसा नहीं दर्ज़ा बंदी है खुलफा राशद का और मक़ाम है बाद वालों का और मकाम है अशर मुबशर का और मकाम है इस एतबार से, से ये कहना कि हम सब साहब कराम को एक ही दर्जा देते हैं जैसे अम्बिया कराम तिलकर रसुल रसूलों में भी अल्लाह पाक ने दर्जा बंदी रखी हुई है तो जो मक् पाक की फतह से पहले मुसलमान हुए उनका मकाम और है जो फतह मक् के बाद हुए उनका मकाम और है ये तो कुरान मजीद से साबित है एक और कॉलर है जी उनसे बात करते हैं असल वालेकाम वर वक़ा शाह मजाज शरीफ कैसे हैं शाह अल्लाह का बड़ा करम है अलहमद लाला शाह जी सवाल मेरा यह है कि ये साथ से मुराद ये इलम का साथ होना नस्ल खून का गोश्त का आ, साथ होना मुराद है इससे कुरान से या के वो वो साथी मुराद हैं जो कभी साथ होते थे कभी नहीं होते थे एक पहला सवाल ये है तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये अगर साथी थे तो शोब अभी तालब में सरकार तीन साल तक पत्ते खाते रहे ये कहां थे और अशदा लाल कुफार का जो ये दिया जाता है टाइटल दूसरे खलीफा को तो जब खंडक में अमरू बिन अब्दू वद पकार रहा था तो ये सामने क्यों नहीं आई क्यों नहीं कहा रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने तीन बार पूछा कि कोई है कोई इसके मुकाबले में जाने वाला तो क्यों नहीं उठे और सुलहदीबिया में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मक्के में जाके खबर लेके आओ तो आपने इनकार किया और कहा कि हजरत उस्मान को भेज दो तो जो ये रहमाऊ हूँ हूं हजरत उस्मान आ, के बारे में कहा जाता है इनके बारे में तारीख आ, आजम कूफी ने भी और तफसीर उमदतल बयान ने भी ये लिखा है कि हजरत अम्बार यासर को इन्होंने पीटा और उनको फतन की बीमारी हो गई और हजरत अम्मा जो, जो दूसरे थे अब, अब्दुल्ला बिन मसूद उनकी पसलियां तोड़ दी गई तो रहमात बैना हूँ ये बनुमैया के लिए तो बहुत रहुमात है इसमें तो कोई शक नहीं है लेकिन ये साथ जो है ये सवा आले मोहम्मद के रसूल का साथ कौन सा है जिनका जिक्र इंजील में भी है और तो रात में भी है तो आगे जो आगे सी, 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 है कि कुछ लोग आएंगे मेरी तरफ में, जब हाउस पर हूँ अच्छा तो उनको रोक लेंगे आगे, और मैं कहूँगा कि यार अब मेरे ये सुहावी हैं अच्छा आगे अल्लाह ये फरमाएगा कि ये तुम नहीं जानते आप नहीं जानते कि इन्होंने क्या जुल्म किए तुम्हारे पीछे इन्होंने दीन में क्या क्या बिदते पैदा की हैं। अब सवाल सरकार तो ये इन चीजों में जी ठीक है मैं इसका जवाब में कर जी, जी, जी थे। बहुत शुक्रिया में ये मौजूद थे में जब मैं जवाब देता हूँ बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का अली जान साहब अभी जी, जी, मैं सदना इमाम सलाम की बात करूंगा और आप ही की किताबों से हवाला दूंगा कि इनके बारे में जो आपने तस्वीर कशी की है वो दुरुस्त है या सईदा इमाम सलाम ने जो बात कही है वो दुरुस्त है एक तरफ अली जान शाह का बयान हो एक तरफ हमारे इमाम इमाम बाकिर का कौल हो तो बैत के जो मानने वाले हैं वो सैदन इमाम बाकिर की बात मानेंगे अली जान साहब की बात नहीं मानेंगे यही मेरा अकीदा है और इन्हीं खतूत पर मैं सोचता हूँ और इन्हीं बातों पर मैं चलता हूँ मेरे साथ एक और कॉलर है आइए उन देखते हैं सवाल कम होता है लेकिन तबसे काफी करते हैं लेकिन इंशाल्लाह आप नाजरीन देखते रहिएगा अली के सवाल का इनशा जवाब देंगे बोल रहे हैं आप Is somebody who dies with the iman of Nabi sallam. So the question is here is um, can you clarify this? Because I read somewhere else that anybody who sees the face of the Holy Prophet, he becomes a Sahaba. That's the first question. And the second question is um, about Abdullah ibn Ubay ibn Salul, who's a Sahabi. And in say Muslim, he was called a Munafiq. And the Prophet said, I cannot kill him because people will say that the Prophet killed his companions. So, this is a Sahaba, and also he's a monafic according to say Muslim. Mm. Okay. And the last final question okay. is in Surah Al-Hujurat, if you don't mind. Mm -hmm. Surah Al-Hujurat, verse 49. Mm -hmm. It says, If a Farsi comes to you with some news, mm -hmm. please look at the news or what he's saying. Okay. In all tafsir, this confirms, this was revealed about Walid bin Ukbar, who lied.

अब सवाल ये है आप के सवालत के मैं जवाबात के हवाले से कुरान मजीद की आयत मकस्सा का ये हिस्सा मैं अब आपके सामने पेश कर तो जो भी गैर जानबदार लोग हैं या जो अहल सुन्न से हैं अहले तशैये से हैं तसब की एनक उतार कर दिलों में जो घुटन है उसको दूर करके आइए अल्लाह के कलाम से पूछते हैं तारीख़ में बास बातें संद के अतबार से इतनी कमज़ोर हैं मसल ये जो इन हज़रात ने मशहूर कर दिया कि हज़रत मौलाली शर ख़ुदा ने तारीख़ तबरी में है कि जब छः रुकनी कमेटी बनी उन्होंने कहा कि आप किताबुल्ला और सुन्नत पर अमल करेंगे और शेख़ैन करीमें की सुन्नत और तरीक़े पर अमल करेंगे तो मौला अली ने इनकार कर दिया ये इतनी बात को फैलाया गया और तारीख़ तबरी में यकीन जानिए जब ववायत देखी है और आगे चल के इन शुरू प्रोग्राम में वो मन घड़त रावियों ने वो रिवायत घड़ी कतर ना मौला अली ने कहा कि मैं शेख़ैन की तरीक़े पर नहीं चलूँगा ये मैं तकदीर टी वी के स्टूडियो से आज अर्ज़ कर रहा हूँ ये तारीख़ में इतना गड़मड़ कर दिया गया कि मौला अली की तरफ मनसूब कर दिया वो तीन चार झूठे रावी थे कज़ाब थे जिन्होंने बातें घड़ घड़ कर मौला अली से मनसूब कर दी शिया का जो पैमाना है असमाजाल का फन रजाल का इमामा इमाम मामकानी की किताब जो है मकाल और इनकी अपनी जो फ़न रजाल की किताबें उन पर अगर उन रिवायतों को परखा जाए तो वो रावी जूठे सबित होते हैं तो झूठी रवायात पर इन सब ने ये एक बात बुनियाद खड़ी की है और शैख़िया करीम और खुलफा रजाशदीन पर तबर्रबाज़ी उनके ख़िलाफ़ बातें करना ये सारी बातें वहाँ से घड़ी कुरान मजीद इनका साथ नहीं देता तो अभी मैं क़ुरान मजीद से ये बात जो सवालत हैं उनका जवाब मैं कुरान पाक से लूँगा कि आइए कुरान पाक क्या कहता है और फिर सैदा इमाम बािर का कॉल आपके सामने पेश करूँगा कि इमाम बाकर क्या फरमाते हैं ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा